मैं नहीं भाई, जहर से मुझे एलर्जी है। मैंने तो अभी तक ढंग से कुछ भी नहीं देखा है। थ्री इडियट्स देखी है? हाँ जी भाई, मैंने अभी भी कुछ देखा। इस चूचे को फ्यूचर दिखाई देने लग गया। इसे देजा चू कहते हैं। देजा चू नहीं बे, देजा वू। मुझे तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप सभी को बॉलीवुड की बेस्ट कॉमेडी मूवी तो पता ही होगा, फुकरे याद ही होगी। अभी तक इस मूवी के बस दो पार्ट देखने को मिले हैं, जल्दी ही तीसरा पार्ट देखने को मिलने वाला है। तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी गई है। सुनने में आ रहा है कि इस मूवी की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है, पर अभी तक इस मूवी की रिलीज नहीं किया गया है। पहले कहा जा रहा था कि मूवी को 2022 के लास्ट में रिलीज कर दिया जाएगा। अब इस मूवी का पोस्टर देखने को मिल रहा है, जिसमें फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। आने वाले कुछ दिनों में मूवी का टीजर देखने को मिल सकता है और उससे पता चलेगा कि फुकरे 3 की कहानी क्या होने वाली है। मूवी का पहला पार्ट 2013 में देखने को मिला, दूसरा पार्ट 4 साल बाद 2017 में देखने को मिला था। इस मूवी को लोगों ने बहुत प्यार दिया था। अब काफी लंबे समय से लोग फुकरे 3 मूवी के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार खत्म होने वाला है, फुकरे 3 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मूवी को रिलीज करने की बात चल रही है। अगर कास्टिंग की बात करें तो पुलकित सम्राट, मनजोत सिंह, वरुण शर्मा और पंकज देखने को मिलेंगे। अली फजल का अभी पक्का नहीं है कि वो मूवी में देखने को मिलेंगे भी या नहीं, वो तो मूवी के रिलीज होने के बाद चलेगा। आप सबके लिए एक ताज़ा खबर यह है कि मूवी को फरहान अख्तर डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या पता मूवी में फरहान अख्तर भी कोई सीन करते दिखाई दे, ये कहना मुश्किल है। ये जब टीजर के बाद ही क्लियर होगा कि उनका सीन है भी या नहीं। मेकर्स की सुनने तो मूवी को अगस्त में रिलीज किया जा सकता है। अब सबको फुकरे मूवी का इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।